इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के विद्यालय में काम कर रहे रसोइयों ने आज जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। रसोइया कई महीने से मानदेय न मिलने से काफी नाराज थे। रसोइयों का कहना है कि रक्षाबंधन का त्योहार सर पर है और हम लोगों को कई महीनों से मानदेय नहीं मिला। अब हम लोग क्या करें, कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करें और किस तरह त्योहार मनाएं? संयुक्त रसोइया मोर्चा उत्तर प्रदेश की संयुक्त सचिव संजू तिवारी ने रसोइयों की कई समस्याओं को लेकर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और समाधान न होने पर धरना प्रदर्शन को चेतावनी दी। ना बताओ उनका। मेरा नाम संजू तिवारी है, मैं संयुक्त मोर्चा की संयुक्त सचिव संजू तिवारी हूँ और मैं रसोइयों की समस्याओं को लेकर अपने जिलाधिकारी के महोदय ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराई हूँ कि पहले तो इनको रक्षाबंधन के पहले जो बकाया मानदेय दे दिया जाए, दूसरा ये कि पात्रता पूरी कर रहे रसोइयों को भी निकाला गया, उनको रख लिया जाए। तीसरा ये जो लखीमपुर ब्लॉक में लगा ब्लॉक में जो रसोइयाँ झुलस गई है उसको क्षतिपूर्ति सहायता दी जाए और भी रक्षाबंधन के पहले इन लोगों को नहीं दिया जाता है तो अदर में हम लोग जनता स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे जिसकी समस्तदारी जिम्मेदारी शासन रक्षाबंधन में। जैसे हम लोगों का अपने गर्मी चुनौत में कैसा भी है, हम लोग कैसा किराया करेंगे, कैसा भाड़ा करेंगे, कैसे त्यौहार में मिठाई ले जाएंगे। हम लोगों को चार चार पाँच पाँच महीना हो गया, पैसा तो मिला नहीं, पेट को खाने की रोटी नहीं मिली। हमारे बच्चे देखिए इधर उनको कपड़े तक लेने गए, जब खाना इंसान पेट पर नहीं पाएगा तो कपड़े कैसे क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में अगर हमारा सरकार रक्षाबंधन से पहले इन लोगों को करवा देता नहीं तो जनता स्तर पर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन के साथ। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।